आइए जानते हैं कि कैसे हम अनवांटेड ईमेल्स, यानी कि वो ईमेल्स जो हमारी, जिनको हम नहीं चाहते कि हमारी ईमेल आईडी पर आए, उनसे कैसे छुटकारा पाते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कितने टाइप की होती है। जनरली देखिए, दो टाइप की ईमेल होती है। एक वो जिनको हम चाहते हैं, यानी कि हमने जानबूझ के सब्सक्राइब किया होता है, अपनी ईमेल आईडी वहां दी होती ताकि वहां से हमें इन्फॉर्मेशन आती रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब, पिंटरेस्ट, फेसबुक, लिंक्डइन, ऐसे कई सारी आपको दिख रही है जहां से हमारे पास ये ईमेल्स आ रही हैं। अब अगर इनमें से ऐसी कोई ईमेल है जो मतलब जिनको जो हमने जहां पे हमने सब्सक्राइब भी नहीं किया फिर भी हमें वहां से ईमेल्स आ रही हैं, तो उनको कैसे मतलब उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ले लेता हूँ। मैं इसको, इस मेल को देखिए ओपन करता हूँ। ठीक है, बस एक सेकेंड वेट करिएगा। ये देखिए ईमेल ओपन हो गई। अब यहां पर आपको देखना है अनसब्सक्राइब का बटन। ठीक है, कि आपका अनसब्सक्राइब का बटन कहाँ पर है। ठीक है, वो देखिए ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको बेसिकली वो अनसब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए अनसब्सक्राइब का बटन यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। तो आपको, अगर आप नहीं चाहते कि इस सर्वर से या यहाँ से आपको ईमेल या इन्फॉर्मेशन आए, तो सिंपली आप अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अनसब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वुड लाइक टू स्टॉप रिसीविंग सिमिलर मैसेजेस फ्रॉम यहाँ, फ्रॉम दिस वेबसाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये नीचे दो ऑप्शन है, कैंसिल और अनसब्सक्राइब का। जैसे ही आप अनसब्सक्राइब से के बटन पे क्लिक करेंगे, इस यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन या ईमेल्स आना बंद हो जाएगी। तो ऐसे आप जहां से भी आपकी, आपको ऐसी ईमेल्स आ रही जहां से आप नहीं चाहते कि ईमेल्स आए, तो वहां को आप सिंपली आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एक चीज रिपीट कर दूं फिर से कि ये अनसब्सक्राइब का बटन यहां पर भी हो सकता है, कभी कभी ये नीचे भी होता है। मतलब ये देखिए यहाँ पर जब आप नीचे ले जाएंगे, ये ईमेल जहां पर खत्म हो रही होती है वहां पर भी अनसब्सक्राइब का बटन होता है। तो अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको सिंपली अनसब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत आसान है, फिर वहां से आपको ईमेल्स नहीं आएंगी।